आईपीएल के मेगा ऑक्शन में कितने करोड़ में बिकेंगे केएल राहुल डेविड वार्नर, तो कैसे बहुत ही ज्यादा चर्चे में चल रहे ये दो खिलाड़ी और कैसे यहाँ पे कौन सी टीम में शामिल हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे पंजाब किंग्स की टीम ने आके बोल दिया है कि हम लोग यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट लाएंगे और वो ट्विस्ट जो कि पूरी तरीके से आ भी चुका है। तो कहानी में क्या आया है ट्विस्ट, तो इस वीडियो में हम करेंगे बातचीत। तो इस वीडियो बहुत ज्यादा होने वाली है इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए, आरसीबी के फैंस के लिए भी। तो वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो पहले फटाफट हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, साथ ही में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिएगा जिससे हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेंगी, उसको आप सबसे पहले देख पाएंगे। तो गाइस चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, तो गाइस आप सभी को स्पोर्ट्स एंड ऊपर से क्रिकेट बहुत ही पसंद होगा, स्पोर्ट्स से प्रोडक्ट करके पैसे कमाने की इच्छा भी होगी, इसलिए आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ जितविन के बारे में। जितविन में प्रोडक्शन करके आप लोग काफी पैसे कमा सकते हो, ऊपर से आईफोन 12 प्रो मैक्स जीत सकते हो या फिर गाइस आप लोग पर रेफर 300 रुपए जीत सकते हो। इसकी ब्रांड एम्बेसिडर सनी लियोनी है। जितविन 100% सेफ एंड सिक्योर ट्रस्टेड है। कैसे आप जितविन में इस सारी चीजें जीत सकते हो तो उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिलेगा, वहाँ पे क्लिक कीजिए एंड गाइस पे साइन अप करते आपको मिलेगा 5 फ्री स्पिन। जी हाँ, 5 फ्री स्पिन मिलेगा जिसमें गाइस आप लोग यहाँ पे आईफोन 12 प्रो मैक्स जीत सकते हो। उसके साथ गाइस आप लोग 100 से लेकर 10 की तक फ्री क्रेडिट खेल कर आप लोग विड्रॉ भी कर सकते हो। और गाइस मेरा प्रोमो कोड यूज करने पे गाइस आपको उस वक्त 5 और फ्री स्पिन मिल जाएंगे, टोटल 10 स्पिन आपको मिलेंगे जिससे गाइस आपके जीतने के जो चांसेस है और भी ज्यादा डबल हो जाते। तो गाइस नीचे आप सभी को लिंक मिलेगा, प्रोमो कोड मिलेगा, तो डालिए एंड 10 फ्री स्पिन मिलेंगे। तो गाइस जल्दी जाइए एंड जैसे ही आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको लिंक देखने को मिल जाएगा। तो गाइस हम बात करते हैं सबसे पहले पंजाब किंग्स की टीम के बारे में। तो गाइस पे पंजाब किंग्स की टीम की तरफ से एक नई अपडेट निकल कर आ रही है। तो गाइस उन्होंने कहा है कि हम लोग यहाँ पे आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन से पहले केएल राहुल के साथ बातचीत करेंगे। जी हाँ, केएल राहुल के साथ बातचीत करेंगे एंड उनको क्या प्रॉब्लम है हमारे टीम से एंड गाइस उनको थोड़ा सा पैसों की प्रॉब्लम है या फिर कुछ और प्रॉब्लम है। तो पंजाब किंग्स की टीम ने साफ साफ कहा है कि हम लोग ऑक्शन से पहले, रिटेंशन से पहले केएल राहुल से बातचीत करेंगे एंड उसके बाद ही गाइस हम लोग कुछ डिसीजन लेंगे एंड उनका क्या कहना है वो हम लोग पहले जानना चाहते हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ पे केएल राहुल को बिना कुछ सवाल किए हम लोग रिलीज कर देंगे आईपीएल 2022 के लिए। अब गाइस पे थोड़ा सा बातचीत आ जाती है ना कि पैसों की। जी हाँ, अब उन्हें लग रहा है कि मैं जिस तरीके का खिलाड़ी हूँ पैसा मुझे सूट नहीं कर रहा तो और मुझे और ज़्यादा पैसे चाहिए। अब ऑक्शन में केएल राहुल इस वजह से जा रहे हैं कि उनको पता है कि उनको 11 करोड़ से ज़्यादा पैसे मिलेंगे। पंजाब किंग्स की टीम एक काम कर सकती है, उनको ज़्यादा पैसे देके अपनी टीम में रिटेन कर सकती है। अब जिस तरीके से पंजाब किंग्स की टीम ने कहा है कि हम लोग बातचीत करेंगे, अब बातचीत मतलब वही है कि प्रॉब्लम बातचीत तो होगी लेकिन उसके साथ साथ पैसों के बारे में बातचीत भी होगी। अब केएल राहुल जिस तरीके का डिमांड करेंगे वो डिमांड उनको पूरा करना पड़ेगा और अगर वो डिमांड पूरा करते हैं तो पंजाब किंग्स की टीम उनको रिटेन कर लेगी पूरी तरीके से खुशी खुशी। केएल राहुल भी खुश हो जाएंगे, पंजाब किंग्स की टीम भी खुश हो जाएगी और पंजाब किंग्स के फैंस भी खुश हो जाएंगे। लेकिन गाइस अगर यहाँ पे ऑक्शन में आते केएल राहुल तो गाइस उनके ऊपर बड़ा बोली लगेगा, ये 100% कंफर्म है। सभी आईपीएल फैंस ये चीज अच्छी तरीके से जानते हैं क्योंकि केएल राहुल एक कमाल के खिलाड़ी बन चुके हैं, एक कमाल का खिलाड़ी है केएल राहुल, तो उनके ऊपर पैसों की बोली तो लगेगी। 2018 में उनके ऊपर 11 करोड़ की बोली लगी थी जब उन्होंने सीरीज में अच्छा परफॉर्म किया था टीम इंडिया के लिए T20 में, और गाइस उस वजह से उनके ऊपर इतना ज्यादा बड़ा बोली लगा था एंड अभी तो और ज्यादा निखर के आए हैं केएल राहुल, तो अब तो बहुत ही ज्यादा पैसों की बोली लगने वाली है। 15 करोड़, 16 करोड़, 17 करोड़ भी जा सकता है। विराट कोहली का 17 करोड़ रेट है आईपीएल में, आरसीबी के लिए हर साल खेलते हैं तो उनको 17 करोड़ मिलता है और केएल राहुल भी एक उस दर्जे के खिलाड़ी बन चुके हैं। तो ऑक्शन में आएंगे ना तो इस सभी के रिकॉर्ड को तोड़ने वाले हैं। क्रिस मॉरिस ने लास्ट ईयर उन्होंने रिकॉर्ड बनाया था तो उस रिकॉर्ड को भी गाइस यहां पे केएल राहुल तोड़ सकते हैं अगर वो ऑक्शन में आ गए तो। लेकिन गाइस यहां पे इसमें सबसे ज्यादा जब बाजी मार सकती है वो इकलौती टीम है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम, क्योंकि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खिलाड़ी हैं केएल राहुल, तो उनको गाइस यहां पे शामिल किसी भी तरह करेगी आरसीबी की टीम मेरे अकॉर्डिंग। और आरसीबी का भी जो ऐसा कहना है कि केएल राहुल को हम लोग अपनी टीम में फिर से वापस लाना भी चाहते हैं, और केएल राहुल ने भी कहा है कि पंजाब किंग्स की टीम को कि आप लोग मुझे रिटेन मत कीजिएगा। इसका मतलब साफ है उनकी तरफ से कि मैं दूसरी टीम में अब जाना चाहता हूँ। तो गाइस अब हम बात करते हैं डेविड वार्नर के बारे में, डेविड वार्नर का क्या कहना है। अब डेविड वार्नर गाइस पूरी तरीके से टीम को छोड़ तो चुके हैं, अब डेविड वार्नर के ऊपर भी बड़ा बोली लगेगा ये भी 100% कन्फर्म है। अब पंजाब किंग्स की टीम में अगर
केएल राहुल बाहर हो जाते तो डेविड वॉर्नर के पीछे वो भागेगी एंड नया कप्तान बनाना चाहेगी। दो नई टीमें आ रही है तो उनके पीछे भागेगी। उसके बाद और भी टीमें हैं, अच्छा ओपनर चाहिए, अच्छा कप्तान चाहिए उनको भी, बैंगलोर की टीम को भी एक अच्छा कप्तान चाहिए एंड डेविड वॉर्नर एक लौते एक अच्छे कप्तान जो कि ऑक्शन में आपको नजर आएंगे। तो गाइस इनके ऊपर भी जो कि बहुत ही बड़ा बोली यहाँ पे लगने वाला है, 10 करोड़ से ऊपर इस बार लेके जाने वाले हैं डेविड वॉर्नर। तो गाइस केएल राहुल डेविड वॉर्नर इतने करोड़ में बिकने वाले आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन में। तो गाइस आपका इस पर में क्या ओपिनियन है आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड साथ ही में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।